कोरोना से निपटने में भारत सरकार ने बीते 3 सालों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे देशों की भी भारत ने आगे आकर मदद की है। जरूरतमंद देशों को मदद पहुंचाने का ये सिलसिला अभी भी जारी है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने प्रशांत द्वीप पर स्थित किरीबाती द्वीप देश को कोविड से निपटने के लिए मदद पहुंचाई है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि कोविड 19 के प्रकोप से निपटने में मदद की अपील करने के बाद भारत ने किरीबाती को PPE और दवाओं से युक्त चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि किरीबाती सरकार की अपील के जवाब में प्रशांत द्वीप देश में कोविड 19 प्रकोप का सामना करने के लिए और अपने राष्ट्रीय प्रयासों में सहायता देने की प्राथमिकता को समझते हुए भारत सरकार ने किरीबाती को PPE और दवाओं से युक्त चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी है। बता दें, भारत सरकार द्वारा भेजी गई इस खेप में कई जरूरी सामान शामिल हैं, जिसकी मदद से कोविड के प्रकोप से लड़ने में किरीबाती को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री में पल्स ऑक्सीमीटर, VTM के साथ स्वाब, स्वाब के लिए नमूने बैग, PPE किट जिसमें सर्जिकल मास्क, दस्ताने, N95 मास्क, शू कवर, हेयर कैप शामिल हैं और आपातकालीन कोविड 19 दवा की आपूर्ति भी शामिल है। हालांकि जरूरतमंद देशों तक इन्हें पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती रहती है, खासतौर पर किरीबाती जैसे छोटे प्रशांत द्वीप देश तक इन्हें पहुंचाने में लॉजिस्टिक्स चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके भारत से चिकित्सा आपूर्ति को हमेशा से प्राथमिकता में रखा जाता रहा है और बाकी देशों की तरह किरीबाती में भी जरूरी स्वास्थ्य सामग्री को कम समय में भेजा गया है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में बताया गया कि ये खेप 12 फरवरी को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा समन्वित उड़ान से किरीबाती पहुंचाया जाना है। भारत द्वारा की गई ये पहल निश्चित तौर पर दर्शाता है कि भारत कैसे मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।